बुरहानपुर जिले के ग्राम लोधीपुरा स्थित दरगाह ए हकीमी पर हिंदू संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ता दरगाह ए हकीमी का गेट तोड़कर दरगाह में घुस गए। हिंदू संगठनों का आरोप है कि दरगाह के पास हनुमान जी की प्रतिमा मिली है, लेकिन दरगाह प्रबंधन मंदिर तक जाने का रास्ता नहीं दे रहा है, इसलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। इस हंगामे के बीच जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन वह कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पाए। हालांकि एसडीएम ने कहा कि ऐसे किसी की भी निजी संपत्ति में कोई नुकसान और कोई घुस नहीं सकता। अगर दरगाह प्रबंधन शिकायत करेगा तो कार्रवाई करेंगे। दरगाह ए हकीमी के पास खेत में हनुमान जी की प्रतिमा मिली है, जहां तक जाने के लिए भक्तों को दरगाह प्रबंधन रास्ता नहीं दे रहा। हिंदू संगठन के नेता महेश चौहान ने कहा कि दरगाह प्रबंधन मंदिर में प्रवेश के लिए रास्ता नहीं दे रहे हैं। वहीं हिंदू नेताओं की मांग है कि दरगाह प्रबंधन मंदिर के लिए रास्ता दे। इसके चलते आज भक्तों ने दरगाह के गेट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया और गेट पर नारियल फोड़कर गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। इस दौरान गणपति थाना पुलिस का पूरा बल, सीएसपी, एसडीएम सहित भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लधवे और भाजपा युवा नेता गजेंद्र पाटिल भी मौके पर मौजूद थे। सभी के सामने भक्तों ने गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। वहीं जब इस संबंध में एसडीएम दीपक चौहान ने कहा कि किसी की निजी संपत्ति में प्रवेश करना गैर कानूनी है, यदि दरगाह प्रबंधन द्वारा शिकायत की जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। टीम भारती न्यूज। जो वो इच्छेश्वर हनुमान मंदिर है, उसके जो शासकीय रास्ते थे, आम रास्ते थे, उसके लिए हमने जो दस्तावेज खोजे, तो उन दस्तावेजों में हमें 1912 का नक्शा दिखा। उस नक्शे में लगभग 3 एकड़ के आसपास की भूमि थी, जिस पर हनुमान मंदिर, माता का मंदिर और बड़ा सा शिवालय। तो हम उसको जांच रहे थे, देख रहे थे, गांव वालों से हमने बातचीत की और जितने बुजुर्ग लोग थे जो कि यहाँ का इतिहास जानते थे, शाहदरा लोधीपुरा गांव का, तो उनसे जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि आगे एक खेत है, इनका जो जस्ट जो लॉज है, जो लॉजिंग है दरगाह ट्रस्ट की, इसके पीछे एक खेत है और उस खेत में संभवतः वो मंदिर मिलेगा। तो हम कुछ दिनों पूर्व आए थे और यहाँ देखी हमने कि किस प्रकार से हनुमान जी की मूर्ति गंदगी में पड़ी है। मंदिर तो इन्होंने कब ध्वस्त किया, कैसे किया, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन हमको यहाँ काफ़ी मशक्कत करना पड़ी। जिला प्रशासन से हमने कहा कि वहाँ मूर्ति है, तो जिला प्रशासन ने भी पहले नकारा कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल एकमात्र मंदिर था जो इच्छेश्वर हनुमान जी का मंदिर है, जो कि न्यायालय में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मामला लंबित है। लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से आए और जब हमने हमारी हाकों से देखा कि ये तो काफ़ी प्राचीन, लगभग 500 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी यह प्रतिमा है, तो हमको पूरा विश्वास हो गया कि वो जो 1912 का नक्शा है वो झूठ नहीं बोल रहा है और वो 100% सच्चा नक्शा है और प्रमाणित नक्शा है। खेत मालिक ट्रस्ट ने शंकर सिंह ठाकुर नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने ये दरगाह ट्रस्ट को भूमि बेची थी और उस भूमि में उन्होंने बेचते समय ये शर्त रखी थी कि यहाँ से रास्ता छोड़ा जाए और ये मंदिर को संरक्षण और सुरक्षा दी जाए। तो दरगाह ट्रस्ट ने उस समय उनसे खरीदते टाइम सारी शर्तें मंजूर की थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज हमारे मंदिरों की रक्षा के लिए हमें ऐसा उग्र आंदोलन करना पड़ रहा है। अब ये मंदिर में सुगम रास्ता बने, इसके लिए अब आप क्या यहाँ की सरकार है, मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार, तो हम हमारे माननीय जिला अध्यक्ष मनोज जी लधवे के माध्यम से सीएम महोदय से मांग करेंगे कि ये मंदिर दरगाह ट्रस्ट बना के दे। यहाँ का मामला किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है और ये स्पष्ट रूप से यहाँ मंदिर था, है और रहेगा। आपका नाम? महेश सिंह चौहान। फोटो मत खिंचवाओ। बहुत पुरानी हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पर, जो पूर्व के जो कृषक रहे होंगे तो उन्होंने स्थापित की होगी, तो उस मूर्ति पर आके उनके द्वारा जो है पूजा अर्चना वगैरह आज किया गया। तो क्या कारण था कि उनको दरवाजा तोड़ना पड़ा था? क्योंकि ये निजी प्रॉपर्टी है और निजी प्रॉपर्टी में किसी को भी अन्य व्यक्ति को अधिकार नहीं होता है, और दरगाह हकीमी प्रबंधन की तरफ से इन लोगों को अनुमति नहीं दी गई थी, तो इनके द्वारा जो है ताला और दरवाजा तोड़कर अनाधिकृत रूप से। आगे क्या कार्रवाई इसमें, अब जो भी है वो उनकी तरफ से अगर संबंधित व्यक्ति जो है कंप्लेन करेंगे तो आगे की कार्रवाई होगी। तो क्या किसी खेत में मंदिर है तो क्या उसको रास्ता देने का प्रावधान रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी व्यक्ति की निजी जमीन है और निजी जमीन में वो कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, नियम में नहीं है। ठीक। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।